सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी वक्त के साथ में चेंज होती रहती है, नए नए इनोवेशन मार्केट में आते रहते हैं। एक ऐसा ही नया इनोवेशन है हाइड्रोजन सोलर पैनल। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हाइड्रोजन सोलर पैनल है। लोग जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन सोलर पैनल की कितनी कीमत होने वाली है। और जैसे कि हाइड्रोजन सोलर पैनल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बैटरी बैंक डालने की जरूरत ही नहीं है। सोलर पैनल से सीधा आप दिन और रात 24 आवर्स आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। और आपको याद होगा कि 2022 में भारत सरकार ने भी हाइड्रोजन सोलर पैनल बनाने के लिए अपनी एक नई नीति बनाई थी, जिस नीति के तहत 2030 तक उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि इंडिया में फॉसिल फ्यूल्स की जो जरूरतें हैं उनको हाइड्रोजन से कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा। और दुनिया में भारत पहला ऐसा देश होगा जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चरिंग करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि आने वाला भविष्य हाइड्रोजन का है। तो बहुत सारे लोगों ने जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बहुत सारे मैसेज किए हैं कि हाइड्रोजन सोलर पैनल अगर हमें अपने घर में लगवाना है तो कितने रुपए में हाइड्रोजन सोलर पैनल लगेगा, किस तरह लगेगा, कौन कौन कंपनियां इसको बना रही हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हाइड्रोजन सोलर पैनल की क्या कीमत रहने वाली है, कहाँ से आप ये पैनल बाई कर सकते हैं, तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता होगा कि आखिर जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं, सोलर पैनल हमारे पास है, विंड एनर्जी हमारे पास है, तो आखिर ये नए हाइड्रोजन सोलर पैनल की आखिर जरूरत ही क्या है और इसमें ऐसा क्या नया है जो पूरा विश्व जो है वो मिलकर हाइड्रोजन पे लगा हुआ है। इवन आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन इंजन को लॉन्च कर दिया है, यामा हाइड्रोजन इंजन पे जा रहा है। अगर कार की बात करें हम लोग, अगर डोमेस्टिक में हम लोग बात करें तो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है हाइड्रोजन सोलर पैनल। और अगर कॉमर्शियल बात करें तो कॉमर्शियली तो आज भी हाइड्रोजन जो गैस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें मैक्सिमम क्या एडवांटेज हम ले सकते हैं उस पर काम चल रहा है। तो हाइड्रोजन का जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी जूत हमें इसलिए है कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनसे हम लोगों को एनर्जी मिल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है, चाहे वो डीजल की फॉर्म में है। एक तो उसके लिमिटेड सोर्स हैं कि मतलब एक दिन उसको खत्म हो ही जाना है। दूसरा, उससे जो हमारी एनवायरमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर, उसके लिए भी ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये हानिकारक हैं। मतलब CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा है, कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चैलेंज हैं जिनको ओवरकम किया जाना है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा ऑल्टरनेट दुनिया के लिए बनना है कि जिस ऑल्टरनेट को यूज करके जो एनर्जी की आवश्यकता है उनको पूरा किया जा सकता है। हाइड्रोजन जो है उसको इजी आप कैरी कर सकते हैं। जैसे बैटरी के साथ में ये दिक्कत है कि बैटरी आज आपने मतलब चार्ज कर ली तो बैटरी के अंदर एक सेल्फ जो है वो डिस्चार्ज होता है, पर हाइड्रोजन के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोजन को आप सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, जितनी जरूरत है उतना आपने यूज किया, बाकी उसके अंदर कोई डिग्रेडेशन नहीं। तो ये हाइड्रोजन के एडवांटेज हैं। पाइपलाइन के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन को, गाड़ियों में हाइड्रोजन इस्तेमाल हो सकता है, अपने घर में हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारे जो है वो हाइड्रोजन के एडवांटेज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन को यूज करने में आपका कहीं कोई CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये हमारी नेचर के लिए भी अच्छी बात है। तो इसलिए ये बहुत सारा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है हाइड्रोजन, वो इस वजह से चल रहा है कि हाइड्रोजन के एडवांटेज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए एक मिनट में कि हाइड्रोजन सोलर पैनल क्या है और आखिर हाइड्रोजन सोलर पैनल की हमें जरूरत ही क्यों है। तो बिल्कुल सीधे से शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि सोलर पैनल से दो टाइप की एनर्जी हम लोगों को मिलती है। जो पहली एनर्जी है वो है फोटोवोल्टिक एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग अपनी जो घर की हमारी बिजली की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं। पर सोलर पैनल से एक और एनर्जी हम लोगों को मिलती है जिस एनर्जी पे हम लोग बात नहीं करते हैं, और वो सोलर पैनल का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक से सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जब सोलर पैनल धूप में होता है तो जो लाइट है लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और सोलर पैनल की जो टेम्परेचर है वो
बढ़ जाते हैं। अब सोलर पैनल का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पैनल की जो इफिशियंसी वो कम होती चली जाती है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि सोलर पैनल जो है वो जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना पैनल जो है ज़्यादा काम करेगा, तो वो एक मिथ है। सोलर पैनल में जितना हाई टेम्परेचर होता है उतना ही पैनल की इफिशियंसी कम हो जाती है। अब दिमाग ये लगाया गया कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी जिससे सोलर पैनल का टेम्परेचर ही ना बढ़े, उसके लिए ये एक फार्मूला बनाया गया कि सोलर पैनल के जस्ट पीछे बहुत सारी पाइपलाइंस जो है वो डाल दी जाए जो सोलर पैनल की हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लें। तो जैसे कि आप देखते हैं एयर कंडीशनर में, जब आप अपना एयर कंडीशनर चलाते हैं तो एयर कंडीशनर से जो हमें वेस्टेज मिलता है वो वाटर मिलता है। कॉमन सा एग्जांपल मैंने आप लोगों को एयर कंडीशनर का दिया। अब सोलर पैनल के पीछे जो ये पाइपलाइंस हैं ये करती हैं कि जो टेम्परेचर है, जो पैनल में टेम्परेचर जनरेट हुआ उस टेम्परेचर को सक कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जैसे कि आप लोग समझते हैं कि पानी से हाइड्रोजन को ईजिली सबसे आसान तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये टेम्परेचर जो है जब पाइपलाइन में जाता है तो जो पाइपलाइन के अंदर जो वाटर है उस वाटर से दो चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है वाटर। तो वाटर को मल्टीपर्पज आप यूज कर सकते हैं, डीएम वाटर के रूप में हम लोगों को ये वाटर मिलता है, और जो हाइड्रोजन गैस है उसको भी आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भारत सरकार ने 2022 में अपनी एक नीति तैयार की, जिस नीति के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक जितनी भी एनर्जी की आवश्यकताएं हैं उनकी मोस्टली आवश्यकताओं की पूर्ति केवल हाइड्रोजन से की जाएगी, जिसके लिए बकायदा पॉलिसी बना दी गई है। और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया के जो सबसे बड़े घराने हैं उन सब ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें डाला है। चाहे अडानी ग्रुप की बात करें, टाटा ग्रुप, L&T, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारी कंपनियों ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए किया है। तो ये हम लोगों के लिए एक बहुत ग्रीन सिग्नल है, आने वाले टाइम में हमारा इंडिया एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है और एनर्जी सेक्टर में हम बाकी सभी देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन सोलर पैनल का एक एडवांटेज जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो नॉर्मल सोलर पैनल है वो भी 25-30% तक ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को दे सकता है। एनर्जी ज़्यादा इसलिए हम लोगों को मिल जाएगी क्योंकि जो पैनल के अंदर जो पैनल को डिग्रेड करता है, उसकी एफिशिएंसी को डिग्रेड करता है वो है टेम्परेचर। और जब पैनल का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा तो नॉर्मल पैनल से भी 30% ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिल जाएगी। अब दूसरा, नाइट के लिए हम लोगों के पास में जो हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में स्टोर है, तो जिससे पूरी हमारी रात की जो बिजली की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस का ये एडवांटेज है कि उसको आप एक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बैटरी में आप देखते हैं कि नॉर्मल कोई भी बैटरी है उसमें आपने एनर्जी स्टोर की तो बैटरी के अंदर एक सेल्फ जो है वो डिग्रेडेशन होता है। आप कितने भी लंबे टाइम के लिए हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं और हाइड्रोजन को कैरी भी कर सकते हैं। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू में हाइड्रोजन के इतने सारे एडवांटेज मैंने आपको बताए, इसीलिए सारे लोग हाइड्रोजन के पीछे लगे हुए हैं। अब इसके साथ ही कुछ डिसएडवांटेज भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो डिसएडवांटेज जो है वो पहला ये है कि हाइड्रोजन चूंकि एक लो डेंसिटी गैस है तो इस गैस को स्टोर करना और इसको कैरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो हाइड्रोजन सोलर पैनल को स्टोर करने के लिए जो टैंक्स की आवश्यकता है वो नॉर्मल टैंक्स नहीं होते, स्पेशल टैंक्स हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बनाए जा सकते हैं जिनकी लागत काफ़ी होती है। दूसरा, हाइड्रोजन गैस है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक अलग जो डिवाइस है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो डिवाइस हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा उस डिवाइस की जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। अभी तक करंट सिचुएशन में हमारे पास में क्या है कि नॉर्मल इन्वर्टर है, लिथियम बैटरी है, तो दिन भर सोलर से एनर्जी मिली उससे हमने अपने घर के लोड चला लिए, रात में इस्तेमाल करने के लिए लिथियम बैटरी बैंक डाल दिया, तो लिथियम बैटरी बैंक से रात भर आप अपनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो सिनेरियो है वो दूसरा है कि जो आपके पास में स्टोर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको एक अलग डिवाइस की जरूरत पड़ने वाली है। कुछ हाइड्रोजन सोलर पैनल के डिसएडवांटेज, तो अब बात कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है उसको कौन कौन कंपनियां बना रही हैं, कौन कौन कंपनियां काम कर रही हैं। तो हाइड्रोजन सोलर पैनल को बनाने में जो प्रमुख कंपनी है वो है सोलहाइट, और इस कंपनी ने अपना एक मॉडल बनाया हाइड्रोजन सोलर पैनल का और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एक्सपोज में सबको दिखाया और ये भी टेस्ट करके दिखाया कि ये एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी को अगर दुनिया अडॉप्ट करती है ये टेक्नोलॉजी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोलहाइट का कहना यह है कि 2026 तक वो अपने हाइड्रोजन सोलर पैनल के डोमेस्टिक और कमर्शियल मॉडल्स
पूरी दुनिया में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे, कमर्शियल और डोमेस्टिक कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोजन सोलर पैनल हैं वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी कंपनी है सन हाइड्रोजन, जो एक कैनेडियन कंपनी है, ये भी सोलर पावर्ड हाइड्रोजन जनरेटर बना रही है और इस कंपनी का भी कहना है कि 2025-26 तक ये भी हाइड्रोजन सोलर पैनल का मास प्रोडक्शन कमर्शियल और डोमेस्टिक यूज के लिए अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा H2Gen एक US कंपनी है, तो ये कंपनी भी हाइड्रोजन सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लगी हुई है और इस कंपनी का कहना ये है कि ये भी 2028 तक हाइड्रोजन सोलर पैनल के जो लेटेस्ट वर्जन है उनको मार्केट में अवेलेबल करा देगी। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की, कि इस जो पैनल है इनकी कॉस्ट जो है वो क्या रहने वाली है। तो चूंकि इस प्रोडक्ट को अभी बहुत सारी कंपनियों ने नहीं बनाया है, केवल सोलहाइट कंपनी ने ही अपना ये जो मॉडल है इसको बना के दुनिया को दिखाया है, तो कंपनी का कहना ये है कि 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से इस सिस्टम की कीमत आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली ये कीमत बहुत बहुत ज़्यादा है और एक आम आदमी इस कीमत को आज के डेट में अफोर्ड नहीं कर सकता है, पर आने वाले टाइम में चूंकि बहुत सारी कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और इंडिया के जो दिग्गज कंपनियां हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में इस पैनल की कीमत कम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं और संभव है कि 2030-2035 तक हाइड्रोजन की कीमत 1 किलोग्राम 1 रुपये हो जाए, ऐसा इंडिया के जो टॉप लीडर कंपनियों के चेयरमैन हैं उनका। और डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आज की डेट में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित हो सकता है, पर अगर डोमेस्टिक और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी एक नॉन ग्लोबल सिस्टम बन जाता है। अभी करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें और आने वाले 3-4 साल की बात करें, तो हमारे पास एनर्जी का आज की डेट में जो सबसे बेस्ट सिस्टम है वो आपका जो ट्रेडिशनल सोलर है वही है, और आने वाले टाइम में आपको जो आपके सिलिकॉन सोलर पैनल है उसमें भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी जो हमारे पास में सोलर पैनल के साथ में हम लोग 23% एफिशिएंसी तक गए हैं, आने वाले टाइम में ये एफिशिएंसी बहुत जल्दी बढ़ने वाली है और इंडिया में अभी बहुत जल्द आपको कुछ नई पैनल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल से रिलेटेड मेरा वीडियो कैसा लगा और क्या जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है उसकी ओर दुनिया तेजी से बढ़ रही है या आने वाले टाइम में ये हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। मतलब आपको क्या लगता है, आप जरूर मुझे कमेंट करके इसके बारे में अपने विचार रखें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।